बालाजी को जी को लक्खी मेलो है वो चूरू जिले के सालासर में आयोजित है वो होने लाग मेलो है भाई। शुरुआत 8वीं मने जाए बालाजी पहली है जी अंजनी माता का दर्शन कर गए, फिर श्रद्धालु है जिका बालाजी महाराज का दर्शन करने जावे। बालाजी आज मनी मांग लिए हो गए थे आपकी बार दो साल बाद में मेलो आयोजित हो तो भीड़ भाड़ क्या लाग रही है, दर्शन कर लिए जोर की भीड़ है। एपी की बात कर लिया तो सोनू सूद है जी का थोड़ी देर पहले आया। राम राम सामो मनोज और थे देख रहे हो झलको चूरू। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लियो, साथ ही साथ बेल बटन भी दबा लियो ताकि चूरू जिले की अपडेट है बात देश का थाने। बालाजी को जी को लक्खी मेलो है वो चूरू जिले के सालासर में आयोजित है वो होने लाग रहे हो। लगातार 2 साल के बाद में आपकी बार मेलो देखने मिलो है तो खूब भीड़ भी है जिकी देखे जा सके है। पूर्णिमा है जिकी अब रात है आगे है और आज दर्शन है जी का थाने कराऊँगा, साथ ही साथ वी आई पी लोग है वह भी दर्शन करने है जी का चूरू के सालासर के अंदर पहुँच रहे हैं। मैं फिलहाल अंजनी माता जी को मंदिर है वह आगे खड़े हूँ और चारों ओर जी थाने घुमा के दिखाऊँगा कैमरों तो हर तरफ थाने भीड़ और भक्त है जी का जय घोष करता नजर है वह आओगा। और सालासर की यदि बात कर लें तो सालासर बालाजी को जी को मेलो है भाई शुरुआत 8वीं माने जाए। बालाजी पहली है जी अंजनी माता का दर्शन कर गए, फिर श्रद्धालु है जिका बालाजी महाराज का दर्शन करने जावे तो आज कुछ झलकियां हैं जिकी अठी देखांगा। बहुत लंबी कतारा के अंदर थाना श्रद्धालु है जिका मिलेगा और 2 साल बाद में है जिको मेला आयोजित हो तो वह बाद में काफ़ी भीड़ भी आप मानसिका आके देखने एक बार मिल रही है और भक्त लोग है जिका लगातार दर्शन खातर दर्शनार्थी है जिका अठे आने लग रहे हैं। तो कुछ दुकानदार है जिको बातचीत करके देख लिया अंजनी माता मंदिर जस्ट आगे हर दुकान है बार कितनी भीड़ पिछली बार ज़्यादा देखने मिल रही थी। भीड़ भी सालों में ज़्यादा ही हो रही है। कुछ श्रद्धालु लोग है जिका खटुआ एडा होते और क्या दर्शन कर लिए आओ कर लिया दर्शन। बालाजी आज मनी मांग लिए हो गए थे हाँ फैन आज वो मनोज जी भंडारों लगा के आया हमें रतनगढ़ कर भंडारों लगा के बाद में आया 8 5 दिन भंडारों रखे बड़े 3 तारीख और 8 तारीख है। जब की बार यहाँ 2 साल बाद में मेलो आयोजित हो तो भीड़ भाड़ क्या लाग रही है, दर्शन कर लिए जोर की भीड़ है बहुत जबरदस्त भीड़ है। रस्ते में आया हो तो लगभग भीड़ मिली है क्या भीड़ रस्ते में देखने में कम बैठे यात्री ज्यादा है तो कुछ श्रद्धालु और दर्शक अपना भी है जगह मिल गया है। और मंदिर परिसर की यदि बात कर लूँ जड़े मैं खड़ी हूँ बड़े खूब दूर तक थाने भीड़ है जी की देखने मिलेगी और सजावट और प्रसाद है जी का भी दुकान आंगन थाने भीड़ है वह मिलेगी। खरीददारी लोग करता और दुकानदार है जी का बेचता अठे थाने नजर आओगा और भी अलग अलग दृश्य है जी का थाने दिखाणो है जी को चाहूँ आप पूरे मेले की यदि बात कर लिया। फिलहाल चूरू के सालासर बालाजी मंदिर परिसर के आगे मैं खड़े हूँ और बालाजी को जो लक्खी मेलो है वो आयोजित है होने लाग रही है और अब पूरी डिमांग वो दिन के सागी मेलो है जी को समाप्ति की ओर भी जाओगे। फिलहाल जी को मुख्य द्वार है भी आगे मैं खड़े हूँ और रात ने है जी की कवरेज कर रही हूँ और पूर्णिमा है जी की अब लाग चुकी है और पूर्णिमा के सागे सागे है जी को मेलो तकरीबन 3-4 दिन में है जी को परवान पर मेलो है जी को रवे है जिका जिले का और जिले के साथ साथ है जी का प्रदेश का और आसपास क्षेत्र का जी हरियाणा है पंजाब है आ राज्य का लगातार है जिका श्रद्धालु आ रहा है और धोख है जिके लगा रहे हैं सागे सागे वीआईपी लोग भी है जिका आगे धोख है जिकी लगा रहे हैं। फिलहाल प्रेजेंट में मैं थोड़ी सी थाने भीड़ है जिकी दिखानी ये दिशा हूँ तो जिको मुख्य द्वार है बेंगा के थाने भीड़ रहेगी थोड़ी देर बाद में है जिको क्योंकि बीच में थोड़ी सी देर अब रोकी जो है तकरीबन 2 घंटा है जिके ताई साफ सफाई है वह चलेगी लगातार थे मेरे पीछे और मेरे आगे हर तरफ है जिका श्रद्धालुआ ने देख है व्यापारी और साथ ही साथ बात कर लिया तो चाक चौबंद है जिकी व्यवस्था रही है पूरे चूरू को पुलिस प्रशासन आलाप सर तमाम लोग है जिका पहुँचा है और पूरी पुख्ता इंतजाम है जी की करने की कोशिश है वह क्रेजारी है। एडिशनल SP सहित विभिन्न थाना जी का थाना अधिकारी है वह आपकी टीम के सागे है जी का सालासर पहुँचा है और व्यवस्था में है जी को सहयोग है वो कर रहे हैं। साथ ही साथ जी की हनुमान सेवा समिति है वहाँ कार्यकर्ता और वहाँ जी का लोग है वह भी व्यवस्था है जी की बनाने के मायने लगातार योगदान है वो देने लग रहे हैं और हर तरीकों व्यवस्था है जी की बनाने की कोशिश है वह करी है। मैं जतई रिपोर्टिंग कर रहा हूँ जो थोड़ी सी देर खातर है एक बार
श्रद्धालु है जिका रोकी गया है तो आसपास है जी भीड़ थाने काफ़ी दिखाई देवेगी और पीछे है जी को मेरे सजावट है थाने दुकान नहीं देखने मिलेगी। बड़ा उत्साहित है जी का बालाजी का भगत है बारे नजर है बारे क्योंकि कोविड काल के बाद में मेड़ो आयोजित हो गया तो मानसिका आगे की खुशी है जी की श्रद्धालुओं के रहेगी कोई सेल्फी तो कोई सामान खरीदारी करके है जी को बालाजी का साथ साथ कुछ लोग दर्शन करके और कुछ मान्यता मान के हैं लगातार आपकी खुशी है बेजाहिर है वह कर रहे हैं। और बात यदि कुछ श्रद्धालुओं कर लिया तो कुछ श्रद्धालु लोग है वे भी अठाइडे कठुआटा हुआ सर भाई साहब राजगढ़ से दर्शन कर लिया या करोगा कर लिए भाई साहब अब क्या यहाँ थी व्यवस्था की दो साल बाद में जो मेला जी तो बीच में कोविड आ गया तो पहले से बढ़िया है अच्छा है सब बढ़िया व्यवस्था है कोई खरीददारी भी साथ ही साथ करिए भाई साहब है खरीदारी करिए अब कराया अभी दो कुमार गए अब गेट बंद हो गया 9 बजे और 12 बजे खुला है वो अब खरीदारी कराया फिर रेस्ट कराया ये मांगे और की बारी वो तो इच्छा पूरी हो जाए जब बताओ दोबारा यो अगली बार आवा तब जब बताओ था उम्मीद आई करा गया जी का श्रद्धालु दर्शक आए भाई मनोकामना है जी की बालाजी महाराज वो पूरी करे और ये भी आठवें एडा हुए सब सके राजगढ़ है सारा सके राजगढ़ में गांव खेड़ी है मारो राजगढ़ के सारे दर्शन लिया पैदल रस्ते में क्या रही व्यवस्था वगैरह बढ़िया रही कितना दिन हम पहुंच गए थे मैं 5 तारीख में चलिया पाँच तारीख को चले थे आज 8 हुई है यंग ये मांगे वाला जी वहाँ मुखरिए देखो थे गरगा थान देख रहे गए आप दर्शन कर लिया देख लिया रस्ते की व्यवस्था क्या रही तो मस्त रही क्या व्यवस्था आपकी बार हो रही है बहुत बढ़िया व्यवस्था हो रही है दिक्कत नहीं दर्शन बढ़िया तरीका हो गया था और पगाम फला फला पैदल आया हो तो अभी हो गए 3 दिन चले जब तक हालत होएंगे मतलब कितनी परेशानी हुई थारे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई चलते हुए तो हुई थी ऐसे थोड़ा सा दर्द भी हुआ था उस वैसे अलग अलग चीज़ों मेडिकल स्टोर खोद रहे थे थोड़ी इसी बात हो रही थी तो वहाँ पर हमने इलाज भी करवाया थोड़ा थोड़ा पट्टी भी बांध दी हमने दवाई भी दी थोड़ी थोड़ी तो कुछ श्रद्धालु लोग हाँ जी गाँव बातचीत आप करी हाँ तो जी सारा समा हुआ तो अपन कुछ हिंडा डोल हिंडा ये तमाम चीज़ खेलन की है वह भी साथ साथ नज़र है जी क्या होगी मेरे पीछे से या कितने देख पा रहे हो क्या डोलर हिंडा के द्वारा कुछ इंजॉय है जिनका श्रद्धालु लोग है वह कर रहे हैं हालांकि धीरे धीरे कुछ श्रद्धालु है जिनका दर्शन करने के साथ साथ मेरे पीछे लंबी कतार दिख गई थाने और पूर्णिमा की शुरुआत है जिनकी होगी है और मेरे सागे सागे जिनकी भीड़ है व लगातार बटन है लाग रही जिला वो बड़ो मेड़ो है जिनका अगर वीआईपी की बात कर लें तो सोनू सूद है जिनका थोड़ी देर पहले आया मांगे कैप्चर भी थाने साथ ही साथ दिखाऊँगा इसकी बार कितनी भीड़ है और कितनी बिक्र बट हो रही है नहीं कुछ खास नहीं है भीड़ तो 2 साल बाद में काफी है भीड़ तो नहीं लोकल पब्लिक है यात्री ना है बस वो भंडारे का इंतजार है सबको उसी के चक्कर में बस क्यों खर्चे भी लगते हैं ना खाने के बिक्री अब की बार बढ़िया है सब बघेला राजगढ़ चला गया दर्शन कर लिया क्या इसी भीड़ कर लिया भीड़ तो है ठीक ठाक है पैदल आए क्या पैदल आए अजय भाई साहब कह रहे हैं कोई बिक्री बकरी को इंतजाम करवा रहे होगी बिक्री तो हो रही है हो रही है बालाजी जब श्रद्धालु आवे है तो पेड़ा में प्रसाद मुख्य रूप में चढ़ावे एक दुकानदार है जिसका जुड़े भाई साहब आपकी बार ये मेला आयोजित हो रही है क्या इसी बिक्री है कितनी भीड़ वगैरह देखने मिल रही है भीड़ हल्की है अब क्या है आज ही भीड़ ज़्यादा हुई है बालाजी जी मुख्य रूप की मिठाई चल रही है इस पेड़ा चलता है चूरमा चूरमा और पेड़ा चलता है तो आज लास्ट मेला है तो आज थोड़ी भीड़ और बढ़ने का बस आज जो भीड़ बढ़ी है आज लास्ट मेला आज भीड़ बढ़ी है नहीं उससे पैसे तो हल्का भीड़ चल रही थी हम यूपी के हैं बुलंद शहर 2 साल वैसे मेला आयोजित नहीं हुआ उसका कोई असर देखने को मिल रहा है हाँ सर ये मतलब है का जो पहले सौदा बिकती थी वो अब नहीं बिक रहा है का पेड़ा और चूरमा अब का नहीं बिक रहा इतना है जो पहले बिका है वो अब का नहीं बिक रहा है खटवाड़ा दर्शन करिए दर्शन के लिए आया दर्शन के लिए क्या उस माहौल आपके बारे में 2-3 साल बाद में मेला आयोजित हो रही है बढ़िया लगे पहले कोरोना ने पकड़ रखा था पहले कोरोना की वजह से काफी दिक्कतें आई हम नहीं आ पाए इस बार आपको दिख ही रहा है ये सभी अच्छे दर्शन हुए हैं काफी लोग हैं अच्छा क्राउड भरा है अच्छा लगा है पैदल आए नहीं गाड़ी में सर
रास्ते में भाई घनी भीड़ एक्सीडेंट हुई बहुत हो यहाँ रामे लाइन तो काफी लंबी है आपको पता ही है, कम से कम 3-4 किलोमीटर की बन जाती है पीछे से अगर पूरी वो ज्वाइंट लगाए ना अभी कितने चक्कर तो काफी दूर इतनी दूर ज्यादा घूम आ गया था 5-7-10 किलोमीटर। हाँ शासन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं, बहुत ही अनुशासन था तो बहुत ही विचार से धोख लगी है। तो लगातार मानसिका के बड़ो मेलो है जिसको जिले के अंदर आयोजित हो और लाखों श्रद्धालु है जिसका ये मेला का मायने दर्शन कराया है, थे भी कमेंट बॉक्स द्वारा वाला जी महाराज जी जय बोल्स को और थे हमारे पैदल आया या कोई संघ सगे क्या आया होगा जरूर कमेंट बॉक्स के द्वारा बताइयो और थे भटो दर्शन नहीं कर पाया सला सर्दियाँ थी कि भी नहीं पहुंच पाया हो तो थाने आज भी कवरेज के द्वारा ये है उपलब्धता आज चीज़ करवाई हाँ और अठू थे दर्शन है जिका करके मानसिका का मनता मांग्स को हो। बाकी चूरू जिले की अपडेट खातर और स्पेशल कवरेज खातर बने रहो। जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।